हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांग मोघा उर्धा एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट को सीखने की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 66 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्रीन ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल के मेथड्स को, जिसमें कि अवेल हाइट, अवेल विड्थ, हाइट एंड विड्थ मेथड है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में। बेसिकली इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अपने विंडो के ऑब्जेक्ट के मेथड्स को, तो बेसिकली आज हम पढ़ रहे हैं स्क्रीन ऑब्जेक्ट के मेथड्स को। तो बेसिकली अब जिस तरीके से हमें स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, जिस तरह के मैथ के मेथड होते हैं, तो ऐसे नंबर के मेथड, ऐसे हमारे इन ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं स्क्रीन, ऐसे बहुत आएंगे। अभी विंडो है, अभी पढ़ चुके तो स्क्रीन के मेथड है, तो उसको हम यूज कैसे करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं, जैसे कि माई फन, राउंड ब्रेसिस, देन कर्ली ब्रेसिस। अब इस फंक्शन को अंदर हम क्या लिखेंगे, हम मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं कॉल करूंगा इन सभी मेथड्स को। तो बेसिकली मैं स्क्रीन लिखूंगा और डॉट लिखूंगा हाइट इस तरीके से, और यहाँ पे कॉनकैट सिंबल लगा के मैं यहाँ पे एक br दे देता हूँ, एक लाइन का गैप मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला मेथड मैंने हाइट यहाँ पे यूज किया, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा अवेल हाइट, तो मैंने लिखा aval और देन हाइट इस तरीके से। तो अब ये दो मेथड हम यूज कर रहे हैं, इसके बाद हम विड्थ वाले मेथड यूज करेंगे, तो आप डिफरेंस प्रॉपर समझ जाएंगे। तो मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अगर मैं अभी इसको क्रोम में करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट देन सेमीकोलन, सेव करते हैं। अब करते हैं रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया। अब देखो ये भी हाइट मेथड है, लेकिन ये अवेल हाइट मेथड, तो ये करता क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अवेल हाइट है, जो ये अवेल नीचे वाला मेथड है, जो ये 762728, ये करता क्या है, ये जो आपकी ब्राउजर की हाइट होगी, ये जो हमारा टास्क बार दिख रहा है स्क्रीन का, इसके पूरी की पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको, जहाँ पे हमारा टास्क बार भी है, ठीक है। तो ये हमारा जो अवेल मेथड है, जो ये हाइट प्रोवाइड कर रहा है, अवेल हाइट, ये सिर्फ ब्राउजर की स्क्रीन तक, ब्राउजर की हाइट प्रोवाइड करता है, कि सिर्फ जहाँ तक ब्राउजर है यहाँ तक, तो यहीं की हाइट आपको प्रोवाइड करेगा। बट ये जो हमारा हाइट मेथड है, तो ये बेसिकली हमारे टास्क बार तक की हाइट को यहाँ पे कैलकुलेट करके हमें प्रोवाइड करता है पिक्सल के अंदर। तो ये मेनली यहाँ पे डिफरेंस है अवेल हाइट एंड हाइट के अंदर। हाइट बेसिकली आपके टॉप से लेकर डाउन तक जाएगा, चाहे टास्क बार की पूरी स्क्रीन की हाइट नापेगा, बट जो हमारा अवेल हाइट मेथड है, ये सिर्फ हमारी ब्राउजर, जो हमारी स्क्रीन है ब्राउजर की, इसी की हाइट हमें प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम मेथड को यूज करते हैं, तो इनके कर लेते हैं इनको कॉपी, और यहाँ पे हम करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ, डब्ल्यू आई डी एच विड्थ, और यहाँ पर लिखेंगे अवेल विड्थ, तो डब्ल्यू आई आई डी टी एच, ठीक है। सेव करते हैं, अब सेव करने के बाद करते हैं रिफ्रेश, आप देखेंगे कि विड्थ और अवेल विड्थ बिल्कुल सेम आ रही है। ये बेसिकली हर एक डिवाइस, जैसे कि लैपटॉप की विड्थ अलग होती है, मोबाइल की विड्थ अलग होती है डिवाइस की, आपके टैबलेट डिवाइस की विड्थ अलग होती है, 4K डिवाइस की विड्थ अलग होती है, तो ये आपको विड्थ कैलकुलेट करके देता है कि आपकी स्क्रीन की विड्थ है कितनी, ठीक है। और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बेसिकली मैंने टैबलेट में ओपन किया हुआ, टैबलेट में देखो विड्थ इनकी 768 पिक्सल आ गई दोनों की, ठीक है। अगर मैं करता हूँ उसको लैपटॉप में और करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे लैपटॉप के अंदर 1024 पिक्सल यहाँ पर विड्थ आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको लैपटॉप लार्ज में ओपन करता हूँ और फिर करता हूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइट भी यहाँ पर चेंज हो चुकी है और विड्थ भी चेंज हो चुकी है। तो बेसिकली ये जो विड्थ है और अवेल विड्थ है, इनमें डिफरेंस क्या है कि विड्थ तो आपको देगा पूरी की पूरी स्क्रीन की विड्थ देगा, जितनी भी स्क्रीन है। अवेल विड्थ आपको बेसिकली सिर्फ स्क्रीन, जितना ब्राउजर की विड्थ होगी स्क्रीन की, उतनी विड्थ देगा। और ये दोनों सेम यहाँ पर इसलिए आ रही है, ये दोनों सेम बेसिकली यहाँ पे इसलिए आ रही है कि ये देखिए यहाँ पे 1366 इसलिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टास्क बार, यहाँ पे कोई भी बिल्कुल भी प्रॉपर यहाँ पे टास्क बार नहीं आ रहा है वर्टिकली, तो इसलिए दोनों ये बिल्कुल सेम दे रहा है। अगर यहाँ पे वर्टिकल टास्क बार आएगा, तो ये बेसिकली इनकी विड्थ के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ टास्क बार को, हम साइड शो विंडो टास्क बार साइड, अच्छा नहीं ये तो हमारी दोनों विंडो साइड में आ गई, एक सेकेंड मैं वापस करता हूँ, लेट मी चेक, मुझे ऑप्शन चेक करना होगा। हम टास्क बार को हटा सकते हैं, शो द डेस्कटॉप, शो विंडो स्टैक, कैस्केड, अंडो शो साइड बाय साइड, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में हमें जाना होगा, और यहाँ पे हम बॉटम है, तो यहाँ पे मैं राइट अगर कर देता हूँ और कर देता हूँ अप्लाई, देन ओके, तो रिफ्रेश कर रहे हैं। तो अब आप देखा
कि हमारा जो टास्क बार है वो मेरा राइट में आ चुका है। तो राइट में जैसे आया तो यहाँ पर इनकी देखो विड्थ के अंदर भी चेंज आ गया। तो जो विड्थ मेथड होगा वो आपको आपकी टास्क बार तक की पूरी स्क्रीन टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करके देगा विड्थ को, चाहे वो आपकी हाइट हो, हाइट में पूरा हाइट देगा, विड्थ में पूरी विड्थ देगा। और जो अवेल हाइट और अवेल विड्थ होता है ये आपके टास्क बार तक नहीं जाते हैं, ये सिर्फ आपकी जो हमारी ब्राउजर की जो स्क्रीन होती है सिर्फ वहीं तक, ये यहाँ तक, सिर्फ यहीं तक ही कैलकुलेट करके आप देंगे। ये जो मेथड है ये बेसिकली अवेल, ये हमारा विड्थ का मेथड है जो पूरी की पूरी यहाँ पे दे रहा है, टास्क बार के एरिया को भी काउंट कर रहा है। और ये हमारा अवेल विड्थ, ये देखिए अवेल विड्थ हमने कॉल किया लास्ट में, तो ये सिर्फ हमें यहाँ तक की मतलब ब्राउजर की स्क्रीन, ब्राउजर तक की ही स्क्रीन को हमें कैलकुलेट दे रहा है पिक्सल के अंदर विड्थ इसकी। और आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे होंगे कि हाइट और दोनों की अवेल हाइट दोनों सेम हो चुकी है, क्योंकि नीचे टास्क बार नहीं है तो बेसिकली ये बिल्कुल दोनों सेम यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, मैं इनको वापस से एडजस्ट कर देता हूँ बॉटम में अप्लाई। ओके तो आप देखो रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो आप प्रॉपर समझ चुके हैं कि हाइट विड्थ और अवेल हाइट और अवेल विड्थ में क्या डिफरेंस है। हाइट और विड्थ आपको पूरा स्क्रीन कैलकुलेट कर दे करके देंगे, चाहे वो एरिया आपका टास्क बार का क्यों ना हो। लेकिन अवेल हाइट और अवेल विड्थ आपको सिर्फ ब्राउजर की जो हाइट और स्क्रीन है, विड्थ है और हाइट है, सिर्फ उसी को ही आप कैलकुलेट करके देगा पिक्सल के अंदर। तो ये हमारे कुछ स्क्रीन के मेथड थे जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं ब्राउजर के। तो आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।